नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हाँ, सभी लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि हाँ क्या पढ़ रहे हैं? टिक टिक वॉक पढ़ रहे हैं ना। हाँ, उत्तर प्रदेश की लोक कथा कितनी सुंदर लिखी है गिरिजा रानी जी ने, लिखी है ना। ऐसे हम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उतना सोचते नहीं ना लिखने के लिए, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखो कितनी सुंदर है कथा, जैसे सुनते हैं ऐसे लगता है कि टिप टिप टिप, कितना शांत होता है ना मन में एक शब्द। लेकिन सब लोग तो डर रहे हैं, टिप टिप वा मतलब क्या है, किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शेर डर रहा है, जो छोटा बच्चा है वो डर रहा है, और अब सब लोग क्या है घबराए हुए ही नजर आ रहे हैं इस पाठ में। तो इस उत्तर प्रदेश की लोक कथा में ये सचमुच कहानी घटित हो रही है, लेकिन इस लेखिका ने शायद गिरिजा जी ने इसको भावना नापा और अपने लिए पाठ्य पुस्तक में इसको देने की कोशिश की। तो मैं पहले काउंट करती हूँ ना शादी, तो आज भी काउंट करूंगी पांच तक, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा, कोई लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है मेरे बच्चे नहीं भूले, इसलिए मैं आपको काउंट करती हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, पांच चार तीन दो एक जीरो। हाँ देखो, सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो बच्चों हाँ हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कक्षा में मैंने क्या देखा था, पहले तो दादी माँ और छोटा बच्चा जो है वो चित्राचर है, तो उन्होंने दादी माँ ने बच्चे ने पूछा कि टिप टिप वॉक बोले, तो उसने कहा शेर और बाघ से भी है, बहुत बड़ा है मतलब है, इसे परेशान रूप में। तो जो शाम जो शेर था उस बुढ़िया के झोपड़ी के पीछे वो डर गया, उसको लगा शेर और बाघ से तो कोई बड़ा हैरान होगा, आएगा तो मुझ पर हमला करेगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए शेर भी घबराया, सॉरी बाघ जो है वो घबराया और वहां से भाग गया। और उसी समय क्या हुआ, उस गांव में धोबी था, धोबी के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जो लोगों के कपड़े धोता है, उसको सुखाता है, उसको इस्त्री करता है, उसके घर में जाकर देता है। तो उसका गधा गायब हुआ था, तो गधा क्या करता होगा वो, ये भी हमने सोचा था, शायद वो अपने कपड़े उसमें डालकर घर में लेकर जाता होगा, है ना, ये तो होगा होगा ही, ऐसा होगा होगा। तो सबसे पूछ रहा है गधा मेरा दिखा है क्या, गधा आपने देखा है क्या? तो तब उसकी पत्नी ने क्या कहा, सुबह से शाम तक जब उसे देखा कि गधा नहीं मिल रहा है, तो उसने कहा, उस पत्नी ने कहा, जाओ और पंडित जी से जाकर पूछो कि हमारा गधा कहाँ चला गया है। तो पंडित है ना कौन, जो भविष्य बताते हैं, जो हमारी कुंडली निकालते हैं, तो शायद बता देंगे कहाँ चला गया है। तो ऐसे जो है पहले जमाने में लोग अंधश्रद्धा थे, इस कारण ये बातें मान लेते थे ना, तो जाकर उसे पूछा करते थे कि कहाँ गया है, उसे कहाँ गई है, वो कहाँ गई है, वो पूछते थे। तो इन दोनों में बातचीत चल रही है, तो अब हम आज पढ़ेंगे उससे आगे वाली कहानी, पेज नंबर 56 या 56। हाँ, इस 56 में हम ये कहानी अभी हम शुरू करने वाले। देखिए इस चित्र में देखिए धोबी जो है वो दिखाई दे रहा है, धोबी एक पंडित जी को पूछने के लिए शायद वो गया है, हमें भी पता है ना पंडित जी से क्या पूछने वाला है। देखो ये माला मारा इधर उधर घूमता फिर रहा है और कुछ तो पूछने की कोशिश कर रहा है, तो हमें पता है उसका गधा क्या है, वो गुम हो गया है। ठीक है, तो ठीक है हम देखते हैं। हाँ देखिए, जो जानवर है ये घरेलू जानवर है जिसे पालतू जानवर कहते हैं, गधा भी उसमें से है ना। हाँ ठीक है, तो देखो पत्नी की बात धोबी को जच गई, जच गाना यानी क्या होना, उसको समझ में आ गई, यानी उसने जो बताई गई थी उसको लुभा गई, यानी जचना। एक शब्द आते समझ में आ, धोबी की पत्नी की बात धोबी को क्या गई थी, जज गई थी, यानी उसको समझ में आ गई थी। अपना माथा लट्टा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा, तो मोटा लट्ट है क्या, देखो ना हमारे पास भी एक छोटी काट है ना, इसको क्या बोलते हैं आपको हिंदी में क्या बोला जाता है, लकड़ी या छड़ी, हाँ उसको मारते उसको छड़ी, तो मोटा लट्ट है क्या, यहाँ उसको दिखाई दे रहा है जो धोबी है उसके हाथ में भी ऐसी बड़ी वाली छड़ी है, शायद वो अपने
जानवरों को काबू करने के लिए रखता होगा उसके पास, है ना, क्योंकि वो भी शोर करता है। तो उसके पास एक मोटा लठ था, शायद वो लठ मुझे लगता है जब वो गदा मिले उसको लेकर मारते हुए लेकर आने का शायद, है ना। तो उसने क्या कर दिया, अपना मोटा लठ उठा लिया और वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। गाँव में पंडित जी थोड़ा दूर रहते थे, उनका घर अलग था, तो उनको जाकर मिलने के लिए पत्नी की बात उन्हें सुननी थी ना, गदा कहाँ गया उसे पूछना था, भविष्यवाणी देखने के लिए वो चल पड़े। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। देखो उलीच उलीच कर रहे, क्या देखिए, हमारे घर में जब पानी हम फर्श धोते हैं तो आप क्या करते हैं, हम कोई तो मतलब जो सुपली बोलते हैं कचरे की, उससे हम कभी कभी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, या कपड़े से पोंछते हैं, उसको जाकर निचोड़ते हैं। तो उलीचना है क्या, घर का पानी जो है वो बाहर फेंकना, थोड़ा थोड़ा करके बाहर फेंकना। तो वो क्या कर रहे थे, शायद कपड़े से किसी वस्तु से वो अपना जो घर में घुसा हुआ पानी था बारिश का। देखो ये भी बारिश से परेशान है पंडित जी, इनके घर में भी पानी गया है, ये बारिश का पानी लेकर उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे थे। तो भी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गदा सुबह से नहीं मिल रहा है। देखो धोबी जो था वो पंडित जी के पास किसके आया था, वो पूछने के लिए आया था कि मेरा गदा कहाँ चला गया है। तो उसने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गदा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांझ कर बताइए तो वह कहाँ है। तो देखो यहाँ शब्द है, शब्दार्थ है बांझना, बांचना है क्या पढ़ना, बांचना है क्या पढ़ना। तो देखो वो जो है धोबी वो पूछ रहा है पंडित जी से, बेसब्री से पूछ रहा था क्यों, क्योंकि उसको बहुत चिंता थी उसका गदा चला गया, क्योंकि उसका वो काम का गदा था, पता नहीं सुबह से कहाँ चला गया था वो, इसलिए उसने कहा मेरा गदा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांच कर बताए तो वो कहाँ है। पोथी बांझ कर पोथी आई क्या, जो भविष्य वाले हैं जो पंडित जी उनके पास कुछ ज्ञान का पुस्तक होता है, उसमें मतलब दीन उसमें कुछ अलग अलग तरह के अंक होते हैं, उससे वो कुछ पढ़ते हैं और आपको बताते हैं ये कहाँ मिलने वाले हैं। तो उसने वो कहा बादशाह जो से मुझे बताया कि मेरा गदा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, तो सब लोग परेशान थे, दादी परेशान थी, वाघ परेशान था, ये धोबी परेशान था, और वे पंडित जी भी सुबह से घर का पानी बाहर निकालते निकालते क्या कर रहे थे, थक गए थे, बार बार वही काम कर रहे थे, बारिश कम नहीं हो रही थी, पानी घर के अंदर आ रहा था और वो लगातार सोच रहे थे इसको कैसे हम बाहर करें, क्योंकि इनकी भी देखिए झोपड़ी घास फूस की है, इसके लिए अंदर पानी जाएगा ही। तो तब ऐसा नहीं था प्लास्टिक है, उसके बाद कुछ अलग है वो नहीं डाल सकते थे, बस यही चीजें थी। तो वो भी थक गए थे, धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, झुंझला मैंने क्या है मतलब मन ही मन थोड़ा गुस्सा है, क्रोधित हो जाना है, ऐसी कुछ चीजें होती है ना, वो झुंझला गए और बोले मेरे पोती ही मेरे में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया कुछ नहीं, अरे जाकर ढूंढ उसे कहीं गड़ी गड़ी पोखर में। तो बेचारे तो परेशान थे बारिश के कारण क्या हुआ होगा, उनकी जो पुस्तक है वो भी भीग गए होंगे, जो पोथियां थी वो भी भीग गई होंगी, इसलिए उन्होंने चिल्लाते हुए उस धोबी को कहा अरे सुबह सुबह मैं पानी उछलते उछलते थक गया हूँ, निकालते निकालते थक गया हूँ, और तू मुझे आ रहा है पूछने कि मेरा गदा कहाँ है। अरे मेरा आप तुम्हारा जो गदा है मेरे पोती में इसका पता लिखा है क्या, तेरा गदा कहाँ चला गया है, वो मेरे पास कुछ लिखा हुआ है क्या, कहाँ गया है, तो यहाँ ठिकाना लिखा है क्या, लिखा है पता है क्या, मेरे पोती में ऐसा कुछ लिखा है नहीं, ओ जा जा गया, जो आ गया यहाँ पूछने, अरे जाकर ढूंढो से गए गड़ही पोखर में। तो गड़ही पोखर मतलब क्या, जहाँ ढलान होती है, जहाँ पहाड़ होते हैं और जहाँ बड़े बड़े खेत होते हैं, उन खेतों के अंदर या जंगल का जो रास्ता है वहाँ गड़ही पोखरी में, मतलब जहाँ छोटे छोटे घास पैदा होती है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस जगह पर जाकर उसे ढूंढ, वो कहीं वो घास खाने के लिए वहाँ चला गया होगा, ऐसे
उसने सुझाव दिया, किसने सुझाव दिया, पंडित जी ने उस धोबी को सुझाव दिया, मेरे पास तुम्हारा गधे का पता लिखा हुआ नहीं है, तू जाकर ढूंढ किसे किसे गड़ही पोखरे में जाकर उसे क्या कर ढूंढ। और पंडित जी लगे फिर पानी उड़ीचने, फिर उन्होंने इधर ना देखा ना उधर देखा, उन्होंने फिर से अपने घर का पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। लिशना की क्रिया है जो ना डालना है बाहर फेंकना है, निकालना है बाहर फेंकना है, ये काम वो लगातार कर रहे थे। और एक पंडित जी ने जब बात उनकी कही थी धोबी को, वो जैसे खत्म हो गई फिर से वो अपने काम में लग गए। धोबी वहां से चल गया, चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। धोबी तो सुबह से ढूंढा था, फिर वो भी परेशान हो गया था, तो चलते 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 एक तालाब के पास चला गया। तालाब मतलब क्या, जहाँ पानी घेरता है, छोटा सा जो होता है जो तालाब है, जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे छोटे सा तालाब हर गांव में होता है। हाँ, नदी तो बहते रहते हैं लेकिन तालाब नहीं बहता है, उसका पानी इकट्ठा ही रहता है, एक जगह रहता है, वो होता है तालाब। तो देखो क्या हो गया, धोबी वहां से चलते चलते तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। देखो अभी भी हम आजू बाजू देखेंगे तो हमारे यहाँ आसपास भी घास है, क्यों है, क्योंकि बारिश बहुत हो गई है, बारिश के कारण जमीन में पानी आ गया है और जो घास फूस है कब होती है, बारिश में होती है। तो इस तालाब में पानी होने के कारण उसके आजू बाजू में बहुत बड़ी बड़ी घास क्या हो गई थी, उग आई थी। और देखो इन्होंने क्या सोचा है ना, बहुत बड़ी बड़ी घास उग आई थी, धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। घास थोड़ी ऊंची थी तो ऐसे वो सामने से तो नहीं दिखाई देगी, उसने डंडा हाथ में था, उसको ऐसा ऐसा करके वो क्या करने लगा, ढूंढने लगा। जैसे आप भी अपने ग्राउंड पर कोई ऐसी चीज गिर जाए तो आप भी ढूंढते हो ना स्कूल में आकर, हाँ कक्षा में भी ढूंढते हो, फिर टीचर को पूछते हो, अपने मिस को पूछते हो, नहीं तो अपने इधर उधर अपने दोस्तों के साथ रहकर उसको ढूंढते हो। तो ये भी क्या होने लगा, ये भी ढूंढने लगा, क्योंकि धोबी तो जो गधा था वो शायद घास खाने के लिए चला गया होगा, ऐसा उसको भी लगा। तो धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिटकुआ के डर से उन्हें घास में छिपा बैठा था। देखो जो जो बाघ था जो कहां से भागा था, दादी माँ की कुटिया के पीछे से भागा था, वो इस बारिश से न भीगे इसलिए कहां छुपा था, उस घास में जाकर वो बैठा था, छुपके बैठा था क्योंकि वो बारिश में से बच जाए। ठीक है, तो देखो उसी घास में बैठा था, धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी को क्या लगा, बाघ है ना वो उसका ही गधा है, क्योंकि शाम हो गई थी, सुबह से तो ढूंढ रहा था, तो रात में क्या दिखता है, नहीं दिखेगा, वो बाघ ही क्या है उसका गधा है। उसने आओ देखा ना ताव, देखो एक प्रशब्द आ गया था, आओ देखा ना ताव कहाँ गया था, चार वाली आमा में आया था ना, उसने आओ देखा ना था और झाड़ू झट से आसमान को दे मारा, देखा था ना। तो यहाँ भी ये शब्द आएगा, देखिए मुहावरा है, उसने आओ देखा ना था, ना इधर की देखी ना उधर की देखी, और लगा बाघ पर मोटा लट्टा बरसाने। उसको बाघ उसका गधा लग रहा था, इसलिए उसने जो मोटा लट्टा लाया था, बड़ी छड़ी लाई थी, वो उसने बिना देखे ही शाम के रात के अंधेरे में उसने उसको लगाना शुरू कर दिया, कि वो तो परेशान हो गया था, बिना बात के गधा भाग गया था इसलिए। उसने आग देखा ना था और बाघ को मोटा लट्टा बरसाने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम से घबरा गया। वो तो बेचारा किसी के इसमें नहीं था, वो तो जान बचाने के लिए वहां बैठा था घास में, अचानक से उसको से उसने मारने के साथ वो बेचारा फिर से घबरा गया, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आ रहा था मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैं तो यहाँ चुपचाप बैठा हूँ और ये मुझे क्यों मारना है और यहाँ ढूंढने के लिए क्यों आया है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको लगा था कि मुझे मारने के लिए आया होगा, इसलिए उसने क्या किया, वो अचानक से मार खाते ही और मोटा लगता था तो थोड़ा बड़ा लगा ना जोर से मारने पर, आपको छोटा सा लगने का कितना जोर जोर से चिल्लाते हो, तो उसको इतना बड़ा लगा था, वो बड़ी दिखी कितनी बड़ी छड़ी उसके पास, उससे जोर से लगा था, इसलिए वो क्या हो गया और ही घबरा गया, और घबरा गया। तो देखो इससे कारण क्या हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो
इतना तो हमने समझ लिया कि बाघ के कारण कितना वो बाघ को मुश्किल हो गई थी। गदा ढूंढने गया था ओ देव जो धोबी वाला, उसको मिल गया बाघ और उसने रात के आंधी को नहीं देखा, उसको लगा उसका गदा है, उसने उसको जोर से दे मारा और वो उदरीय बाघ फिर से घबरा गया। बाघ ने देखे पेज नंबर 57 पर हम आ गए ना। बाघ ने मन ही मन सोचा, देखो अभी वो तो बेचारा क्या करेगा, लगता है यही टिपटिपुआ है। देखो टिपटिपुआ क्या है उसको तो समझ में नहीं आता, टिपटिपुआ कौन है, उसको लगा था बड़ा जानवर है। जब उसने मार खाई धोबी की तो उसको लगा शायद यही टिपटिपुआ है जो दादी वहां उस बच्चे से बोल रही थी ना, मैं बाघ से नहीं डरती, शेर से नहीं डरती, टिपटिपुआ से डरती हूँ। तो लगा अभी अभी जिसने मुझे मारा है शायद वही टिपटिपुआ है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। देखो ये कितना बेवकूफ बाघ है, उसको लगा कि मुझे ढूंढ रहा है टिपटिपुआ। अब मैं वहां से भाग कर आया दादी माँ के घर से और यहाँ घास में छिपा हूँ, फिर भी इसने मुझे क्या कर दिया, ढूंढ लिया। ढूंढ लेना देखो हाँ अगली कक्षा में। धन्यवाद।